एके मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और अर्थशास्त्र को बहुत गहराई से बहुत बारीकी से समझते हैं। तो मिश्रा जी, मैं चर्चा की शुरुआत पंडित जी आप ही से करना चाहूंगा। अक्सर आपके जो तीर होते हैं वो लगभग निशाने पर होते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है। तो जरा आपका अनुभव, क्योंकि अर्थशास्त्र को बहुत गहराई से आप समझते हैं, ये जो चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, और विपक्ष ये कह रहा है कि सब कुछ लूट गया, तबाह हो गया। क्या सब कुछ तबाह हो गया? नहीं चावला जी, कुछ भी तबाह नहीं हुआ है। आप इसको ऐसा मत बोलिए कि तबाह हो गया। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये अर्थशास्त्र का विषय है, तो ये तो अर्थशास्त्र का विषय है ही नहीं, ये पॉलिटिक्स का विषय है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पसमंजर में समझिए। पहले भारत को कैसे लूटा? डायरेक्ट अटैक करके। मुगल आए, अंग्रेज आए, डायरेक्ट राज किया। उसके बाद कैसे लूटा कि जी न्यूक्लियर बम का धमकी दिखा करके। जब हम न्यूक्लियर कैपेबल हो गए तो धंधा बंद हो गया। फिर कैसे उन्होंने लूटा? कोरोना यानी बायोलॉजिकल वॉर, ठीक है। उसके बाद साइबर अटैक। ये सारी टेक्निक है किसी कंट्री को जीतने का। और अब ये नई टेक्निक आई है, जब सारी टेक्निक, सारे हथकंडे इनके फेल हो गए, तब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर इन्होंने छेड़ा है। तो ये मेरा ओवरऑल परसेप्शन है। अब टेक्निकल बैकग्राउंड पे मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ? 1000% हिंदुस्तान के खिलाफ, एक उभरती हुई इकोनॉमी के खिलाफ। देखिए 2022 में एक रिपोर्ट आई कि भारत की कंपनियां, मतलब दुनिया में जो सबसे रिच कंपनी है, वेल्दी कंपनी है, इनकी रैंकिंग फिफ्थ हो गई। ये नवंबर या दिसंबर में रिपोर्ट 2022 में आई थी, और उसके बाद से खेल शुरू हो गया। तो जरा खेल समझिए ना, क्या क्या हो रहा है। ये 15 लाख करोड़ पे डूब गए, आप ये कह रहे हैं साजिश है? नहीं, अरे आप मेरे को ये बताइए, अडानी की कंपनी वही है, ठीक है। अडानी के जितने ऑफिसेज हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितने पोर्ट है, सब जगह काम चल रहा है, एक भी इंप्लॉई नहीं निकाला गया है, तो कहां से कंपनी डूब गई? रही बात शेयर मार्केट में जो पैसे डूबने के हैं, तो शेयर मार्केट हमेशा परसेप्शन बेस्ड होता है सर। किसी भी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपए होती है, और उसकी 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 मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए कैसे पहुंच जाती है? नहीं 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 मिश्रा जी, मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन ना 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 लेकिन 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 हिडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है, आप मुझे ये कह रहे हैं? हाँ 101% झूठी है, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। आप प्रूव कर दीजिए। हाँ, आप अब ध्यान से सुनिए। मैंने हिंडनबर्ग के बारे में कुछ छानबीन की। इसके ट्विटर पे जाओगे, जो नाथन इसका जो फाउंडर है, उसने क्लियरली लिखा है कि वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, नॉट एन एडवाइस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ओपिनियन, एडवाइस और लॉफुल लीगल प्रूफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसने इसी तरीके का षड्यंत्र चाइना की एक कंपनी है यांग सिटी लॉजिस्टिक करके, उसके रिपोर्ट में देखेंगे तो उस पर जज ने, यूएसए में जज ने बोला है कि इट इज मियरली अ टेक्स्ट बुक ओपिनियन। मिश्रा जी, ओपिनियन डिफरेंट थिंग है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। मिश्रा जी, अब ये मत बोल देना इस साजिश में कांग्रेस शामिल है। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं, कांग्रेस शामिल है नहीं, कांग्रेस या जो विपक्षी दल है ना, वो तो केवल मजा ले रहे हैं। इन्होंने बहुत अंदर से कोशिशें की, या जो अडानी के खिलाफ है, अपने उद्योगपतियों के खिलाफ है। मिश्रा जी का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि कांग्रेस जो है जनता के दुख में साथ ना दे, जनता का जो निवेश हुआ है उसमें साथ ना दे, बल्कि कांग्रेस मजाक इनको लग रहा है। विपक्ष अगर जनता का साथ दे रहा है तो ये इनको मजाक लग रहा है। फैक्ट और देखिए, मैंने बोला कि अगर अडानी जी ने जवाब क्यों दिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट करनी है, आप तो कह रहे हैं उसको साजिश, अब वो रिपोर्ट का जवाब दे रहे हैं। ये साजिश है कि रियल है? मैं देखिए, और पॉइंट आप समझ लीजिए, नाथन एंडरसन जो है हिंडनबर्ग में, 5 साल पुरानी कंपनी, 10 एम्प्लॉई काम करते हैं। ऑडिट जो होता है प्राइस वाटर कूपर, दुनिया की जानी मानी हस्तियां पिछले दसियों साल से जो बड़ी बड़ी कंपनी है देश की और विदेश की वो करती है, उनको कभी कोई कमी नहीं लगी।
ये दो बंदों की कंपनी दो साल में नहीं, मिश्रा जी मेरा 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 इंटरेस्ट है ही नहीं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ना मिश्रा जी देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए ना सर। सर ये आप भी तय नहीं कर सकते और मैं भी तय नहीं कर सकता, ना जैन साहब कर सकते ना कौशिक जी ना फातिमा जी। अब इसकी जांच कौन करेगा? नहीं नहीं देखिए, जो फाइनल लॉफुल जांच होनी चाहिए वो तो एजेंसीज करेंगी, लेकिन जो छोटा मोटा मेरा नॉलेज है, जैसे नाथन एंडरसन जिसको मैं डेविल बोलता हूँ, वो अपना ही एक्सप्रेस ओनली स्ट्रांग ओपिनियन, तो आई डू आल्सो हैव राइट टू एक्सप्रेस माय स्ट्रांग ओपिनियन। फातिमा जी, मैंने भी उसके बारे में रिसर्च की है कि वो कैसे पैसे कमाता है। मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। फातिमा जी आप लोगों के दुख पर मजा ले रहे हैं जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, या फिर मैं संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए बेवजह हंगामा काट रहे हैं? जवाब दीजिए। मैं इस कमेंट का कड़ा विरोध करती हूं। जिस तरीके से जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो अडानी जी को उसका जवाब क्यों देना पड़ा है? सबसे पहले मिश्रा जी हमें ये बताएं कि उसका जवाबदेही उनकी क्यों बनती है, क्यों घबरा के जवाब दिया? उसके बाद लगातार शेयर मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, मैंने हिंडनबर्ग को एक छोटी सी मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, आज तक जवाब उसका नहीं। और हिंडनबर्ग होता कौन है? आप ये बताइए, जो निवेश हो चुका क्या होगा? जनता की गाड़ी कमाएगा तो निवेश होगा क्या होगा? भारत की सरकार, आपने तो अपना एक्सपर्ट कमेंट दे दिया, वो 2% का घरों में जो पैसे होते हैं वो ऐसे कमेंट देते हैं, लेकिन जनता के दुख में कितना आप कितना जनता के साथ जवाब दीजिए। एक एक चीजों का जवाब देती है, जो जिम्मेदार कंपनी है वो एक एक चीजों का जवाब देती है। कांग्रेस से मैं 50 सवाल पूछूं, मुझे आपकी इकोनॉमी पे कोई वो नहीं है कि आपकी इकोनॉमी क्या कह रही है, क्या आर्थिक स्थिति क्या है देश की, दुनिया जान रही है। हम आपसे इस पे कमेंट नहीं लेना चाह रहे, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी है मैम, पॉलिटिकल व्यू मेरा जो है। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं, एक मिनट प्लीज संयम रखिए, यहाँ संसद बना दिया आप लोगों ने, एक मिनट फातिमा जी, मैं आरबीआई को सही मानूं जो ये कह रहे हैं कि सब कुछ करिए जो सच में इसके फातिमा जी फातिमा जी प्लीज मैं अभी कौशिक जी के पास नहीं जा पाया। मैं राहुल गांधी को सही मानूं या आरबीआई को सही मानूं? आरबीआई कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका पैसा सुरक्षित है। सरकार को सचेत करा गया, रोजगार की बात आप नहीं कर रहे। आपने मेक इन इंडिया की जब बात करी थी, स्टार्टअप इंडिया की बात करी थी, वो सब कहां है? आज जितना एलआईसी का पैसा ये गरीब का होता है जो लगा हुआ है, बात नहीं कर गरीब ग्रामीण क्षेत्रों का लोग मुझे एक बात कही, एक मिनट एक जैन साहब तो डर फिर क्यों है? क्यों सदन में चर्चा नहीं होने दी जा रही? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जेपीएससी गठित कर दीजिए। देखिए सारी चीजें होंगी, और ये चीजें जिसकी बात कांग्रेस कह रही थी कि सेबी कहां पर है, अब तो सेबी जांच कर रही है ना, तो जांच तो हो ही रही है। ओके, और आरबीआई ने भी रिपोर्ट मांगी है। जल्दी से फिर आरबीआई ने रिपोर्ट मांगी है। ओके मिश्रा जी हाथ उठा रहे, जल्दी से आरबीआई ने रिपोर्ट मांगी है। मिश्रा जी ओके, लोन लिया है किन किन बैंकों से लिया है, तो जांच शुरू हो गई ना। जैन साहब एक मिनट, मिश्रा जी फिर कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक घंटे की डिबेट कर रहे हैं और मुझे पता है आपके ऑफिस में इस एक घंटे की डिबेट को कंडक्ट करने के लिए 100 इंप्लॉई लगे हैं, नॉट लेस देन 100। ये नाथन एंडरसन हिंडनबर्ग की कंपनी में 10 इंप्लॉई हैं। 2 साल इन्होंने पूरी दुनिया में घूमा, पूरी रिसर्च रिपोर्ट बनाई, फेक रिसर्च, उससे पूछिए ना पैसे कहां से आए, फंडिंग किसने की, जिसकी ऑडिट करने में बड़ी बड़ी कंपनियों को, ग्लोबल कंपनियों को सालों लग जाते हैं, वो 4 आदमी ने मिलकर कर लिया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इसकी रिपोर्ट को पढ़ा है, इसने बोला ओवर वैल्यूड है जी इनके जो है शेयर। अरे बेवकूफ आदमी, शेयर की एक होती है फेस वैल्यू, जो रियल वैल्यू होती है, और एक होती है जब वो मार्केट में जाता है तो परसेप्शन और इमोशन के आधार पे 10 रुपए का शेयर 10,000 का बन जाता है, डिमांड और सप्लाई पे। तो वैल्यू और प्राइस में फर्क है, ये टेक्निकल टर्म है। वैल्यू डिसाइड करती है मार्केट की किसी चीज की कीमत कितनी हो सकती है, उसकी रेपुटेशन के बेस पे, बिकवाली, डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग डंडा लेके पीछे पड़ गए हैं कि भगाओ जी अपने देश के उद्योगपतियों को, भगाओ यहाँ से। क्या वाकई में कौशिक जी ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि भैया जो सारे उद्योगपति है वो है बर्बाद हो जाए?
मैं कौशिक जी के पास हूं, मुझे एक बात बताइए, ये बड़े दिलचस्प होता है। मिश्रा जी जब भी बैठते हैं गलत थ्योरी लेकर आते हैं और वो है बीजेपी कहती है बिल्कुल सही बोले मिश्रा जी। एक बात मुझे बताइए जैन साहब, सही कही आपने, लेकिन एक बात मिश्रा जी, लाइव में एक कमेंट भी आया कह रहे कि मिश्रा जी बताइए कि अगर सब कुछ ठीक है तो अडानी ने एफपीओ वापस क्यों लिया? मैं तो ये बोलूंगा कि इतिहास में शायद ऐसी ईमानदार घटना पहली बार हुई हो। एफपीओ 100% सब्सक्राइब हो गया बिना किसी बेईमानी के, मैनिपुलेशन के। अडानी इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने क्लियर कट बोला हमारे पास रियल एसेट, मैं परसीव्ड एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जमीन जायदाद फैक्ट्री हमारे पास इतनी ज्यादा पड़ी है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ईमानदारी से वापस कर रहे हैं। कौन आदमी आज की डेट में पैसा वापस करता है सर, अगर वो फंसा हुआ हो मुसीबतों में? जरा अंग्रेजों से कोहिनूर हीरा वापस ले लीजिए ना, ले लीजिए, कोशिश तो कर रही है, कांग्रेस ने भी की, बीजेपी कर रही है और अगले 25 साल मुझे तो लग रहा है कि प्रवक्ता बैठे हुए अडानी जी के प्रवक्ता हो गए मिश्रा जी। अरे अडानी के प्रवक्ता नहीं, देश के प्रवक्ता है मैं और आप पाकिस्तान की प्रवक्ता है। पता चल रहा है कि आप एक्सपर्ट बनी हुई है इकोनॉमी में, आप रिटर्न कर बैठी है और आपके मंसूबे क्लियर कट पता चल रहा है। सारी चीजें कर रही है तो बर्बाद कर रही है। आपने सर्जिकल एक्सपर्टाइज यहाँ पे तो जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी बातें कर रहे हैं, वो अडानी का वोट पे जाके बैठे हैं, अंग्रेजों के कोर्ट में जाके बैठे हैं, के कोर्ट में आप बताइए ना, वहाँ इतनी देर से आप बैठे आप बात बता रहे हैं, आप बताइए ना नंबर क्या है, जनता को बताइए क्या है रिपोर्ट। जनता आपसे ये भी पूछ रही है अडानी ने क्या करा, कितने ईमानदार है अडानी, महिमा मंडल के लिए जनता नहीं बैठी है जो आपसे, वो लाइव देख रही है, आपको देख रही है, आप अडानी की क्या महिमा मंडल कर रहे हैं, कि बड़े ईमानदार है आप, उनके ईमानदार बेईमानी होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया बैठे मैम, प्रूफ नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि इंडिया भर की रिपोर्ट आई, क्यों घबराए हुए ये पूरी सरकार, नाचने लगे क्यों नहीं सरकार के जवाब देंगे, क्यों नहीं इसका जांच का विषय है, एक मिनट फातिमा एक मिनट, नाचने लगे ही जस्ट एक मिनट प्लीज, एक्सप्रेस लगातार अडानी दिया है, प्रूफ नहीं दिया है। ओके मिश्रा जी एक मिनट जैन साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ एक मिनट को, बजट आना था, किसी साजिश से कोई इंकार नहीं करा, हमने सिर्फ ये कहा जांच, विपक्ष क्या मांग रहा है, ओके मिश्रा जी कौशिक जी आपके पास, अब सिर्फ मिश्रा जी का ऑडियो, जांच तो सही भी कर रही है ना। देखिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो अभी बोला चावला जी कि हर जगह अडानी है, एक टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी रियल इस्टेट बूम कर रहा था तो हर जगह पे जीजा जी की कंपनी होती थी कांग्रेस, इस पे बोलिए फातिमा मैम से कुछ बोलेंगी कि जब रियल इस्टेट बूम पे था कांग्रेस की सरकार थी तो हर जगह जीजा जी की कंपनी होती थी, कोई अपार्टमेंट बन रहा है कुछ बन रहा है जीजा जी की कंपनी हो रही है, उसकी जांच इन्होंने कभी करवाई? इंटरनेशनल साजिशों को समझिए सर, स्विस रेडियो ने बोफोर्स के बारे में खबर उड़ाई थी, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, हमारे देश में प्रॉब्लम हिल गई थी साहब और रिजल्ट कुछ नहीं।